चित्र बने हुए हैं, सहायक परीक्षक कुछ अच्छा लिखे हुए हैं, इन अक्षरों को सही चित्र से मिलाना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये लिखा हुआ है आ से आम, ये है आ अक्षर, आ से आम होता है। तो इधर आ से आम कहाँ पे बना हुआ है वो हम ढूंढेंगे और सही चित्र से मैच करेंगे। ये है आ से आम, इधर आ से आम यहाँ पे बना हुआ है, तो आ से आम को चित्र से मैच कर देंगे। ये हो गया आ से आम, आम को आ से मैच कर दिया मैंने। ये है बड़ी ई, बड़ी ई से ईख होती है, हम यहाँ देखेंगे इसे ईख कहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी ई से ईख यहाँ पे बनी हुई है, तो हम यहाँ पे इसे मैच कर देंगे। ये हो गया इसे ईख, तो हमने इसे बड़ी ई से ईख को मैच कर दिया है। ये है अ से अनार, तो हम यहाँ देखेंगे अ से अनार कहाँ पे लिखा हुआ है, अ से अनार को चित्र वाले अनार से मैच करेंगे। तो यहाँ पे अनार का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे अ से अनार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से अ से अनार से न वाले चित्र को मैच कर देंगे। ये है छोटी ई, छोटी ई से इमली होती है, तो हम यहाँ देखेंगे इधर इसे इमली कहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे बना है इसे इमली और यहाँ लिखा है इसे इमली वाला अक्षर, तो हम यहाँ से इसे इमली को मैच कर देंगे। चलिए मैच करते हैं, ये भी मैच कर दिया है छोटी से इमली। नेक्स्ट ये है बड़ाऊ, बड़ाऊ से ऊन होता है, तो हम इधर देखेंगे ऊन का फिगर कहाँ पे बना हुआ है, बड़ाऊ से ऊन के फिगर को मैच करेंगे। तो यहाँ पे ऊन से ऊन बना हुआ है, बड़ाऊ से ऊन मैंने यहाँ से यहाँ पे मैच कर दिया है। ये है छोटाऊ, छोटाऊ से उल्लू होता है, यहाँ उल्लू का फिगर बना हुआ है, तो हम यहाँ उसे उल्लू को मैच कर देंगे। ये मैंने मैच कर दिया है छोटा उसे उल्लू। ये ओ अक्षर, ओ से ओखल होता है, यहाँ पे मैंने ओ लिखा है और यहाँ पे ओखल का चित्र बनाया हुआ है, ओ से ओखल को चित्र वाले ओखल से मैच कर देंगे, ये मैंने मैच कर दिया। ये ऐसे ऐनक, और यहाँ पे ऐनक का फिगर मैंने लिखा है बनाया है, तो चलिए ऐसे ऐनक को चित्र से मैच कर देते हैं। ये हो गया मैच, मैंने ऐसे अनक को ऐनक वाले चित्र से मैच कर दिया है। सोचते आप देखेंगे चित्र पहचान कर सही अक्षर से कैसे मिलाते हैं, और आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। हैव ए गुड डे।